देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। प्रदेश में योगी राज के चलते एक तरफ प्रदेश के मुखिया अपराधियों पर नकेल कसने की बात करते हैं, तो वहीं प्रदेश में गुंडा राज खत्म होने के बजाय और पनप रहा है और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। गौरतलब है कि 5 दिन पूर्व हुए ऋतिक के अपहरण के मामले में आज ऋतिक के परिजनों ने बिजनौर SP उमेश कुमार से बात करते हुए बताया कि मेरे पुत्र ऋतिक का मेरे ही मोहल्ले के लोगों ने ट्यूशन जाते समय अपहरण कर लिया था, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला, ना ही मेरे पुत्र के मामले में पुलिस कोई कार्यवाही कर रही है, जबकि ऋतिक के अपहरणकर्ता खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हम शेर सिंह है और मेरा लड़का 5 तारीख को ऋतिक कुमार ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था, जो कि नई बस्ती SRS चौक से गुम हो गया और वो नहीं लौटा। उसके पास फोन आया मेरे जो साईंपुरम कॉलोनी का जागेश, वह उसका लड़का ऋतिक राठी जो मेरे कॉलोनी के रहने वाले हैं, उन्होंने जो है उसको फ़ोन पर वहाँ बुलाया और वहाँ पर पता नहीं उसने फ़ोन पर उसको धमकी दी कि मेरे से बात कर, हम तेरे से मिलना चाहते हैं। उसी कारण लड़का पता नहीं डर के मारे वो घर लौट कर नहीं आया। वो मुझे उस पर पूरा ही शक है कि उसी ने और उसके लड़के ने ऋतिक राठी ने ये गुमराह किया। क्या आपने पुलिस को सूचना दी इसकी? मैंने पुलिस की सूचना जो है 6 तारीख में दी इसकी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उधर पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर अपराधियों से मिली भगत और कार्यवाही ना करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ऋतिक के गायब होने के बाद अपराधियों के डर से पीड़ित का परिवार डरा सहमा है। अब देखना यह है कि पुलिस इसमें क्या कार्यवाही करती है। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध।